हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऊपर वाली पॉडकास्ट. दिस पॉडकास्ट इज विद राजी ऑफ कोर्स. हेलो राजी, आफ्टर लॉन्ग टाइम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूं. हाउ आर यू? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. पीपल हैव सीन यू ऑन अ पॉडकास्ट. पहले तीन एपिसोड्स हमने आपके साथ शुरू की थी, उसके बाद अब हमने 1.5 साल बाद ऊपर वाली पॉडकास्ट रिज्यूम कर दिया. आई एम इन मिडिल्सब्रो विद राजी बिकॉज राजी वर्क्स हियर. आई लिव इन लेस्टर. इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस. Very long distance relationship. It's not very unique to us. UK में जो लोग आते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके कपल्स ऐसे सेपरेट हो जाते हैं शुरू के दिनों में बिकॉज ऑफ जॉब्स, ट्रेनिंग एंड स्टफ लाइक दैट. सो वी थॉट वाई नॉट ट्राई अ पॉडकास्ट ऑन स्पेसिफिकली द लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स बेनिफिट्स एंड इट्स डिसएडवांटेजेस. बट I think we have quite a unique perspective on it now because we have been in the long distance for like 3 years now. I think usse pehle bhi like Lahore Faisalabad bhi long distance hi tha. We've only stayed together for like 1 year. Kya hua? Yes, mujhe nahi pata tha ki hum itni dur ja rahe hain, itna piche ja rahe hain. Lekin let's talk about ki hame kya shuru mein masle hote the ki hame pata nahi kya ho jayega aur log kehte the yaar tum kaise rahoge. हमें भी होता था यार, शादी के बाद हम 3 घंटे दूर ऐसे कैसे रहेंगे, कभी कभी कैसे मिलेंगे. बट आई थिंक देयर्स अ पॉजिटिव साइड टू इट. व्हाट इज इट? आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि हर बंदे को स्पेस चाहिए होती है एंड लॉन्ग डिस्टेंस प्रोवाइड्स दैट 4 to 5 days ऑफ स्पेस. एंड देन व्हेन वी मीट ऑन द वीकेंड इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स वेरी नाइस. या आई थिंक दिस लॉन्ग डिस्टेंस was initially haunting, लेकिन उसके बाद हमें अंदाजा हुआ कि शादी के बाद भी there is a lot of personal space concept that we were missing. Yes, and शादी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बस codependent हो जाए. मतलब codependency बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि होना ही बुरा है, लेकिन आप एक हद तक इतना हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप ने अकेले सर्वाइव करना भी सीखना है. और आई थिंक कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से बहुत अच्छा सर्वाइवल आ गया है के जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम इतने खाने बनाने लग गए हो तो वो काम करने वाली बिल्ली बन गए हो. I'm like a hostelite now, but I cook so much. He cooks so much कि खाना बना के फिर परेशान हो जाता है, फिर बाकी जो उसके शहर में जो दोस्त है उनको फोन करता है और कहता है आके खाना खा लो. चूहे टाइप इसने दोस्त रखे हुए हैं कि खाना खा जाओ बस. इतनी बिरयानी बना ली मैंने कि मुझे दोस्तों को कॉल करनी पड़ी कि प्लीज आके खा लो, मैंने बहुत ज्यादा बना लिया. हाँ, 2.5 कप. नहीं, क्यों ये बेवकूफी क्यों? I think it's my coping mechanism. ज़्यादा खाना तो ये कैसे coping mechanism? ऐसा मुझे लगता है जैसे मैं ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाऊँगा तो I'll feel accompanied कि मेरे इर्द-गिर्द कोई है. तू पुत्र लंगर मंडिया कर. लंगर मंडिया कर. But और हमें क्या सीखने को मिला है लॉन्ग डिस्टेंस में? How has the emotional part evolved in a relationship? I think it evolved so much. I think we learned how to regulate our emotions. खुद से अकेले रह के जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम बस अपने जितने meltdowns कह लो या जो भी हमारी sadness है वो हम एक दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं. और हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि दिस पर्सन इज सपोज्ड टू मेक अस फील गुड ऑल द टाइम और ही इज सपोज्ड टू मतलब वो हमारा मूड बेहतर करेगा, ये बंदा हमें खुश रखेगा, ये बंदा हमारी केयर करेगा, ये बंदा. तो ये बहुत ठीक है, एक हद तक अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है क्योंकि अगला बंदा भी इंसान है. जैसे आप हर वक्त हर एक्सपेक्टेशन पर पूरे नहीं उतर सकते, ऐसे ही कोई और भी नहीं उतर सकता. तो मसला ये होता है कि जब वन ऑफ यू इज नॉट एबल टू मीट दोज एक्सपेक्टेशंस तो फिर वो रिश्ता जो होता है आपका या जो बॉन्डिंग होती है वो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है. जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में होते हो तो आपको पता होता है कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये एक्सपेक्टेशन है, तो आप अपने साथ रहना सीख लेते हैं. आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस आपको आप अपनी खला के साथ पीसफुल होना सिखा देता है क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक खला रहती है, चाहे उसकी शादी हुई है, चाहे उसके बच्चे हैं, चाहे उसका साथ सब है. हाँ. तो हम हमेशा उस खला से भागते हैं
और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने इर्द गिर्द रिश्ते और लोग रखते भी इसलिए ताकि हम उस खला से हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट या डिसोसिएट कर सकें। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं तो, और मुख्तलिफ शहरों के अंदर होते हैं, और मेरा तो लॉन्ग डिस्टेंस इस तरह से भी है कि मेरा दोस्तों के साथ भी लॉन्ग डिस्टेंस, मेरे सारे अच्छे दोस्त जो हैं वो या लेस्टर में है, एक एडिनब्रा में है, एक लिवरपूल में है, मैनचेस्टर में, स्कैटर्ड हैं सारे। तो फिर ये होता है कि आपको वो खला महसूस होना शुरू होता है, आप उस खला को प्रोसेस करना शुरू करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो रहना है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई अनाटमी, माई फिजियोलॉजी। और इसकी मैं एग्जांपल हमेशा ये देती हूँ कि जब आपको लगे कि खला आपके ऊपर भारी होने लगा है, तो आप अपने आप को एक घर की तरह देखें, कि एक आप इंसान जो है वो एक घर की तरह है। जैसे घर में किचन चाहिए, लिविंग रूम चाहिए, ऐसे ही एक एम्प्टी स्पेस भी चाहिए, एक स्टोर रूम भी चाहिए, वो आपका खला है, आपकी फंक्शनैलिटी आपका किचन है, आपकी नीड टू रिलैक्स आपका लिविंग स्पेस है, जो भी कह लें, वट एवर एनालॉजी सूट्स यू। तो खला भी बस आपका एक हिस्सा है, कोई भी हिस्सा एक दूसरे को की नफी नहीं कर सकता, कोई भी एक दूसरे पे भारी नहीं हो सकता, को एग्जिस्ट कर सकता है, वो को एग्जिस्टेंस जो है आपको सिखा देती है अकेला रहना। पर्सनल टाइम की बहुत ज़्यादा कदर हुई है। हाँ, बहुत ज्यादा कदर हुई है। मुझे लगता है ट्रेडिशनल मैरिजेज में जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस लोग नहीं कर पाते इतनी जल्दी, या उनको मौका नहीं मिलता, या वो डर रहे होते हैं इससे, उनको ये मौका नहीं मिलता इस चीज़ को टेस्ट करने का कि पर्सनल टाइम अगर मिले तो कितना मज़ा आता। हाँ, वही तो बात है ना कि एक्सपोजर ही नहीं होता पर्सनल टाइम से, और पर्सनल टाइम हमेशा ये बताया जाता है जैसे हमारे ऑफ कोर्स कल्चर में कि पहले ज़िंदगी आपकी माँ बाप बहन भाइयों के साथ गुजर जाती है, बहुत लैक ऑफ प्राइवेसी होता है। और हमारे कल्चर में जो लोग अकेला रहना पसंद भी करते हैं, उनको बड़ा जज किया जाता है कि ऐते सड़ियल है, ऐते किसी ने मुँह बुला के नहीं राजी, इस तरह की बातें। तो फिर जब आप फिर आपको ये कहा जाता है कि यू आर सपोज टू बी, मतलब बिल्कुल चिपक जाना है आपने अपने लाइफ पार्टनर को या जिससे आपकी शादी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये हमारा कसूर नहीं है, इट्स जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ आर कल्चर। वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अकेले रहने को या वही अपनी खला को प्रोसेस और एक्सेप्ट करने को सपोर्ट, तो खैर नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसको अभी तक मतलब अभी तक उससे एक्सपोज भी हुआ है हमारा माशरा। यानी हमारे माशरे में लोग तब उससे एक्सपोज होते हैं जब एम्प्टीनेस रह जाते हैं। एम्प्टीनेस का मतलब ये है कि आपने बाल बच्चे अपने पैदा किए, बड़े किए, और अब वो इस उम्र को पहुंच गए हैं कि वो अलग अलग हो गए हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, और आपका घोंसला फिर से खाली हो गया। जब एम्प्टी नेस्टर्स होते हैं, फिर उनको समझ आती है कि हम तो फिर बैक टू जीरो हैं। यानी कि इंसान को ना हर वक्त अपने आप को ये ट्रेन करते रहना चाहिए कि मैं रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी अकेला कैसे रह सकता हाँ, हूँ, एग्जैक्टली बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन। तो मैं वही कहती हूँ कि इंसान को सबसे पहले अकेला रहना आना चाहिए, और फिर उसको जिंदगी में दोस्तियाँ और रिलेशनशिप्स और ये सारा कुछ करना चाहिए। फिर पता है वो लोगों के ऊपर भी आप बोझ नहीं बनते। नहीं तो मोस्टली अगर आप सिर्फ अपनी तन्हाई का सहारे के लिए, अपनी तन्हाई के सहारे के लिए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या दोस्तियाँ या रिलेशनशिप्स बनाते हैं, तो आप लोगों पर एक हद के बाद बोझ बन जाते हैं। आपको खुद अपना आप प्रोसेस करना नहीं आता, आपको अपने डिलेमास खुद सीधे करने नहीं आते, आपको अपनी सैडनेस को खुद से बेहतर करना नहीं आता। तो अपनी सैडनेस को कैसे खुद से कैसे बेहतर करते हैं? बस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सैडनेस एक पार्ट है आपका, एक जस्ट पार्ट है आपका। आपके आपके हाथ में अगर दर्द हो रही है, तो आपके पूरे जिस्म में दर्द नहीं हो रही है। ऐसी सैडनेस एक पार्ट है आपका, जो एक मोमेंट के लिए आपको अपने पे हावी लगता है, लेकिन आपको अपने आप को बताना है कि नो, इट्स जस्ट वन कलर इन द होल स्पेक्ट्रम। बहुत डर मुश्किल काम है यार। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आई मीन मैं मुझे भी पहले लगता था कि ना सैडनेस शुड नेवर बी इन माय हेड, बट नाउ व्हेन यू आर एक्सपोज टू सर्कमस्टांसेस वेयर देयर हैज टू बी सैडनेस एंड यू हैव यू ऑब्वियसली सर्कमस्टांशियली अलोन फॉर फॉर अ वीक और टू एंड देन यू हैव टू कोप विद ऑल दैट, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। बट आई थिंक वंस यू सिट विद द सैडनेस ना, इट टीचेस यू अ लॉट।
आपको सैडनेस पूरे तरीके से महसूस करनी जब नहीं आएगी ना, तो आप खुशी को भी कभी पूरे तरीके से महसूस नहीं कर सकेंगे। जो लोग उदासी से भागते हुए खुशियां तलाश करते हैं, जब उनको खुशियां मिलती हैं ना, तो वो उस वक्त भी उतनी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं जितना वो उदासी में डिस्ट्रैक्टेड था। We are always running after distractions to escape from our own existence, I think. हाँ, बिल्कुल। और it doesn't let you to any good. Yeah, but I think you are a very good advocate of, big advocate of distractions. Yeah, I am a big advocate of distractions. मैं समझती हूँ कि distractions ज़िंदगी में बहुत important है। Distractions ना हो तो आपको वक्त ना गुजरने का जो एहसास है वो ही खा जाए। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो द प्रिंसिपल दैट मेक्स यू रन आफ्टर डिस्ट्रैक्शंस, उसके ऊपर थोड़ा सा काम होना ज़रूरी होता है। क्या मतलब? कि आप अगर सिर्फ अपनी उदासी से भागने के लिए डिस्ट्रैक्शंस के पीछे हैं, अगर आप अपने आप को, अपनी तन्हाई को, अपने फलाह को, अपनी अपनी एग्जिस्टेंस के बोझ को नहीं प्रोसेस कर रहे, और आप डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ रहे हैं लोगों की सूरत में, एक्टिविटीज़ की सूरत में, तो जितना मर्जी आप भाग लें, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप बैठेंगे एंड ऑल ऑफ दैट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप पे भारी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन का जो मेरे लिए प्रिंसिपल वो ये है कि जैसे आई एम अ बिलीवर ऑफ पॉइंटलेसनेस। या आई नो दैट, बट आई डोंट रिलेट विद दैट। आई नो यू डोंट रिलेट विद दैट। आई नीड मीनिंग इन माय लाइफ। सो आई बिलीव कि आप मतलब यू नीड टू लर्न हाउ टू लिव अलोन, यू नीड टू बी हैप्पी लिविंग अलोन, यू नीड टू बी ओके प्रोसेसिंग योर सैडनेस एंड वॉइड। और फिर उसके साथ साथ आप अगर डिस्ट्रैक्शंस में भी अपने आप को क्या कहते हैं इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो करें। लिविंग अलोन अगर आप रहना चाहें ना, सीखना भी चाहें, तो इर्द गिर्द वाले लोग आपको ना बहुत वो आपको बेचारा महसूस करवाते हैं, लावारिस फील करवाते हैं। Maybe they only see the dark side of being alone, but not the good side. Exactly. आपको ज़िंदगी में आप कोई भी फैसला लेंगे, अगर आप मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप किसी से भी डिस्कस करेंगे, तो वो सबसे पहले आपको उसकी बुरी साइड बताएंगे, वो आपको रिस्क ही बताएंगे कि दिस ये हो जाएगा, ऐसे मत करो। तो कोई चीज़ ब्लैक नहीं है, कोई चीज़ वाइट नहीं है। आई थिंक वी नीड टू लर्न हाउ टू लिव। हमारे पाकिस्तान और साउथ एशियन कम्युनिटी में तो कोहेसिव अगर बंदा नहीं रहता अपनी फैमिली के साथ ना जुड़ा हुआ, तो ही डजंट एग्जिस्ट, हिज इंडिविजुअलिटी इज नॉट इवन देयर। आई मीन नोबडी एक्नॉलेजेस दैट। बट आई थिंक कि ना पिछले 3 साल में लाइक बीइंग मैरिड एंड स्टेइंग इन अ डिफरेंट सिटी एंड मैनेजिंग माय ओन रूटीन एंड कुकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ माय सेल्फ हैज रियली टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। जैसे कि ये रियलाइजेशन के यार मेरे अंदर एक मुकम्मल इंसान होने की पोटेंशियल है। मे बी आप मुकम्मल इंसान हैं, आपने सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है, आपने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना है। आप एक मुकम्मल इंसान हैं, लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिलता ना। हाँ, हम कोडिपेंडेंसी के कल्चर से आए हैं ना, जैसे कि स्पेशली आई थिंक मर्द, जो साउथ एशियन मर्दों का ये मसला है, औरतें तो फिर भी सर्वाइव कर लेती हैं क्योंकि उनकी बचपन से ट्रेनिंग थोड़ी इस तरह की होती है। साउथ एशियन मर्द बहुत पैम्पर्ड होते हैं, साउथ एशियन मर्द जो है वो बहुत पैम्पर्ड होते हैं। बचपन से उनको उनकी अम्मियाँ, उनके वालदैन, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके बाकी रिश्तेदार उनको एक पेडेस्टल पे रखते हैं और उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर दिया जाता है फौरन से। तो इसलिए दे नेवर रियली रियलाइज के उनको हमेशा लगता है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर मुकाम पे कोई ना कोई इर्द गिर्द होगा जो कि इन सारी नीड्स का ख्याल रख सकेगा। मुझे तो लगता है कि ना देसी मर्दों को पाकिस्तान में रह के कभी ये अंदाज़ा हो ही नहीं सकता, स्पेशली फैमिली सिस्टम के साथ जुड़े रह के ये अंदाज़ा हो ही नहीं सकता कि देसी मर्द के अंदर कितना पोटेंशियल है एक मुकम्मल इंसान होने का। क्योंकि वहाँ पर ना मुझे लगता है कि एक स्पाउस के थ्रू ही हम अपने आप को कंप्लीट समझते हैं कल्चरली। क्रिपल उनको कर दिया जाता है, लड़कियाँ भी लड़के भी दोनों। हाँ, लड़कियाँ थोड़ी कम, क्योंकि लड़कियों पर जिम्मेदारियाँ और लड़कियों के ऊपर ये जो पूरा बर्डन है कि उन्होंने ये सारे स्किल्स सीख रहे हैं, उन्होंने केयरर का रोल अदा करना है। तो जब आप केयरर का रोल अदा करते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर सफिशिएंट फॉर अदर पीपल, यू लर्न हाउ टू बी सफिशिएंट फॉर योरसेल्फ एज वेल।
लेकिन वो खैर सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम के इश्यूज वो अलग हैं, वो मुझे नहीं लगता इसमें लगता है बैठता शादी हम पड़ता। क्यों करते हैं वैसे देसी कल्चर में? हम इसलिए करते हैं क्योंकि क्योंकि लॉजिस्टिक्स दूसरा जेंडर कुछ पूरा कर दे हमारे घर, जैसे जैसे कुकिंग है, जैसे सफाई है। हाँ पीपल ऑफन आस्क मी आपकी बेगम किधर है, जब मैं कोई कुकिंग की स्टोरी लगाता हूँ ना, तो दैट रिफ्लेक्ट्स के दे ओनली अस्यूम के सिर्फ एक लड़की को यह करना चाहिए हाँ वो रिलेशनशिप में। जेंडर रोल्स है ना सारे, तो वही बात है कि मर्दों के ऊपर वो जिम्मेदारियां उस तरह से नहीं आती हैं। अब आप जब कुकिंग क्लीनिंग ये सारे लाइफ स्किल्स हैं, अगर आपको यही नहीं सीखने को मिलेंगे जिंदगी में, तो जब आप अकेला रहना शुरू करेंगे यही आपके ऊपर इतना ये आपको ओवरवेल्म कर देंगे, ये आपको लगेगा ये पहाड़ है।